वर्ल्ड कप में हार के बाद रोहित शर्मा का आया बड़ा बयान सामने। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रविवार को वर्ल्ड कप के फाइनल में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा है। ऑस्ट्रेलिया ने यह मैच 6 विकेट से जीता है और ट्रॉफी अपने नाम की है। भारत की हार को लेकर कप्तान रोहित शर्मा ने बातचीत में कम रन बनने की टीस जाहिर की। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया के विकेट नहीं गिरा पाने का मलाल भी जताया। रोहित शर्मा ने स्वीकार किया कि बल्लेबाज क्रीज पर टिक नहीं सके और टीम 20 से 30 रन कम बना सकी। रोहित शर्मा ने कहा, नतीजे हमारे पक्ष में नहीं रहे, लेकिन हम जानते हैं कि आज हमारा दिन अच्छा नहीं रहा, हम उतना अच्छा नहीं खेल पाए, हमने सब कुछ करने की कोशिश की लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था, 20-30 रन और होते तो अच्छा रहता। केएल राहुल और कोहली अच्छी साझेदारी कर रहे थे, हम 270 से 280 के स्कोर की तरफ देख रहे थे लेकिन हम लगातार विकेट खाते रहे। जब आपके पास स्कोर बोर्ड पर 240 रन होते हैं तो आप विकेट लेना चाहते हैं, लेकिन इसका सिरा हेड और लाबुसेन को जाता है जिन्होंने एक बड़ी साझेदारी की और हमें पूरी तरह खेल से बाहर कर दिया। फिलहाल दोस्तों, आपकी क्या राय है रोहित शर्मा के इस बयान पर? अपना जवाब कमेंट में ज़रूर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।